इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फ़ॉर फूड एंड एग्रीकल्चर या आई टी पी जी आर एफ ए सेप्टेम्बर उन्नीस से चौबीस के बीच में इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर या आई टी पी जी आर एफ ए की नाइन्थ सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी को होस्ट करेगी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर या आई टी पी जी आर एफ ए जो है ये एक इंटरनेशनल सीड ट्रीटी या प्लांट ट्रीटी है ये ट्रीटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल अग्रीमेंट है इन लाइन विदी डी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी बी डी के बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर एक ऐसी कॉम्प्रहेंसिव अग्रीमेंट है जिसका एम है एक ग्लोबल सिस्टम को करना जिसमें फार्मर्स प्लांट ब्रीडर्स साइंटिस्ट्स सभी के पास प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस का एक्सेस रहे ये ट्रीटी फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियट एग्रीकल्चर के लिए भी ये कोशिश करती है इसे प्रमोट करती है क्लाइमेट रेजिलियट एग्रीकल्चर हमने कई बार डिस्कस किया है क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी में आँच आ सकती है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल राइस वीट ये सब वाटर डिपेंडेंट प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें वाटर इंटेंसिव प्लांट्स हैं पानी की जरूरत होती है और कई जगहों पे इंडिया में अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो ड्रॉट